राज महफिल में आखिरी महफिल होगी, पर जाने से पहले इतने साल जो तुमने हमारा मनोरंजन किया उसके लिए हम तुम्हें भेंट देना चाहते हैं। राजा, ताली बजाते हुए। अरे लैला, ओ भाई। तभी कुछ दास हाथ में थाल सफेद कपड़े से ढक कर लाते हैं। राजा, ये लो मंजुलिका, हमारा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें बेहद पसंद आएगा। ये लो हमारा पहला तोहफा, तुम्हारी माँ का सर। मंजुलिका को अपनी माँ का कटा हुआ सर देखकर सदमा लगा था। वो अपनी माँ का सर देख चीखने ही वाली थी कि राजा विध्वंस ने मंजुलिका को बालों से पकड़ डींच लिया और दूसरी थाली की ओर बढ़ गया। प्रजा भी यह सब देख चौंक गई। फिर से एक बार सबके मुंह खुले हुए थे, लेकिन इस बार उसकी वजह डर था। राजा, ये देख तेरे पिता का कटा हुआ सर। ये रही तेरी छोटी बहन, ये तेरा छोटा भाई, ये तेरी नानी, और अब बारी है तेरे दिल के सबसे करीबी इंसान के सर की, तेरा प्रेमी। मंजुलिका से जुदा हर एक शख्स का सर राजा विध्वंस ने उसे तोहफे के रूप में भेंट कर दिया था। मंजुलिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मौत का दुख पहले मनाए। तभी राजा विध्वंस ने अपनी आखिरी चाल चली। राजा, अरे क्यों, आखिरी तोहफा तो देना बाकी है तुझे। तभी राजा ने आखिरी थाल से कपड़ा हटाया। उस थाल में मंजुलिका के चेहरे की बनावट जैसा ही मिट्टी का कटा हुआ सर था। मंजुलिका अपने सर की मूर्ति देख जोर जोर से हंसने लगी। मंजुलिका, मैं जानती थी तू मेरे साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन याद रख विध्वंस, मैं जो तेरे साथ करूंगी उसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इससे पहले मंजुलिका अपनी बात करती, राजा विध्वंस ने एक झटके से मंजुलिका का सर धड्डी एच से अलग कर दिया। मंजुलिका का सर कटते ही पूरी प्रजा फुसफुसाने लगी थी। सबकी नजरें मंजुलिका के कटे हुए सर पर टिकी थी, जो कि मरने के बावजूद राजा विध्वंस को ही घूरे जा रही थी। कुछ दिन बाद मंजुलिका का गीत सुन पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग मंजुलिका के डर से भाग रहे थे। मंजुलिका अब हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर गीत गाते हुए राजा को विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी। जो कोई भी उसके रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता, मंजुलिका अपनी नजरों से रोशनी का वार करके उन सब के टुकद्धे कर देती। मैं आ गई राजा विध्वंस, देखो तुम्हारी मंजुलिका तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझसे गुस्सा रहोगे मैं मेरे राजा? मंजुलिका की प्यार भरी बातें सुनने के बाद जैसे ही राजा विध्वंस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बिना सर का धड़ था, जिसका सर धड़ के हाथ में लटका हुआ उससे बातें कर रहा था। राजा विध्वंस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मंजुलिका राजा विध्वंस के अंदर विलीन हो गई और पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। एक सैनिक भागता हुआ सेनापति को सूचित करने के लिए जाता है। सिपाही की बात सुन सेनापति वीरभद्र तुरंत ही राजा के कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसने जो मंजर देखा वो सेनापति कभी नहीं भूल सकता था। राजा विध्वंस अपने ही सीने का मांस नोचकर खा रहा था। इस बीच राजा की नजर जैसे ही सेनापति और उसके सिपाहियों पर पड़ ढी तो उसने अपनी आंखों की नजर भर से सिपाहियों के टुकड़े कर दिए, पर सेनापति को जिंदा छोड़ दिया। मंजुलिका, तू मुझे मारने चला था ना, जा, मैंने तुझे जिंदा छोड़ा। बचा सकता है तो बचा ले, तेरे पास 2 दिन का समय है, वरना मैं पूरे राज्य को खत्म कर दूंगी। इतिहास के पन्नों में साइड में एक नाम रहेगा और कुछ नहीं। अगले दिन सेनापति, बाबा, उस मंजुलिका के नाम से सारा राज्य डरा हुआ है, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा, बेटा, बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तो भगवान तक को श्राप भोगना पड़ता है, और मंजुलिका तो फिर भी एक आत्मा है। तुम ना उसे उसका बदला पूरा करने दो, फिर वो अपने आप तुम सबको जिंदा छोड़ देगी। सेनापति, इसका मतलब तो राजा विध्वंस को मरना ही होगा। बाबा, हाँ बेटा, राजा विध्वंस को मरना होगा, और उसे तुम मारोगे, वो भी तुम्हारे खुद के हाथों से, और तुम्हें उसके जिस्म के साथ टुकड़े करने होंगे, जिनमें से 4 को चारों अलग अलग दिशाओं में दफनाना होगा, और बाकी के 3 टुकड़ों को आग, पानी और जमीन में विलीन करना होगा। तभी मंजुलिका की आत्मा को काबू किया जा सकता है। सेनापति जब राजा विध्वंस के कमरे में गया तो उसे इस बार एक और घिनौनी हकीकत का सामना करना पड़ा। उसने देखा
कि राजा विध्वंस पैर के ऊपर का सारा मांस नोचकर खा चुका था। सेनापति, राजा जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मासूम प्रजा का सवाल है। इतना कहकर सेनापति राजा विध्वंस के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बारी बारी से राजा के जिस्म के टुकद्धों को बोरे में भरने लगता है। सेनापति, मंजुलिका, मैंने बहुत कोशिश करी कि तुम्हें इस सोने के पिंजरे से आजाद करा सकूं, लेकिन मैं बुरी तरह से नाकामयाब रहा। लेकिन तुमने अपनी आजादी खुद ही ढूंढ ली। काश तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुमसे ये सब कह पाता। लेकिन मंजुलिका, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और ये सब इसलिए कि इतिहास तुमको याद रखे और शायद इस बहाने मेरा भी जिक्र हो जाए। अगले दिन सेनापति बाबा के साथ मिलकर राजा के कमरे का दरवाजा मंत्र और तावीज से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि कभी भी फिर मंजुलिका की आत्मा किसी को परेशान न कर सके। लेकिन तब क्या होगा जब खुद ही कोई मंजुलिका के सामने मरने चला आए? रिया और विहान उस सर वाली मूर्ति को देख ही रहे थे कि तभी उस मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें एकदम लाल थीं, जिसे देखकर रिया और विहान बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस मूर्ति की आंखों में से तेज रोशनी निकलती है और रिया और विहान के टुकड़े टुकड़े कर देती है।